हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है, y is equal to a x sin x दिया हुआ है और शो करके दिखा रहे हैं। फिर से बात वही है, ये y1 और y2 क्या चीज है, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y is equal to ax sin x है, चलिए सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो या तो y को लिख दो dy by dx या फिर y1, वो आपकी चॉइस है। तो मैं y1 लिख रहा हूं, तो मैं सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। ए तो कांस्टेंट है और किसी के साथ आया है, तो बाहर हो गया। अब x sin x दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो चलिए लगाते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x ही होता है, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए y1 को प्रॉपरली ले लेते हैं। तो y1 is equal to ax cos x plus a sin x। ठीक है, एक और डेरिवेटिव करना है, y2 भी चाहिए ना। अब y1 सिंगल डेरिवेटिव होता है, तो y2 डबल डेरिवेटिव होता है। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो y1 का डेरिवेटिव हो गया y2। अब ax cos x, तो a तो कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया है, तो उसको दोबारा कर दिया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन सोचो कि अगर a कांस्टेंट अकेला लिखा होता तो डेरिवेटिव जीरो कहलाता। ठीक है, तो x cos x का मुझे डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमेशा डेरिवेटिव करते समय प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है। ठीक, पहले को छोड़ा और दूसरे का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, प्लस पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को छोड़ा यूनिटी छोड़ दिया, और पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव जो कि क्या होगा 1, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो आप यहां 1 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का कोई। प्लस a sin x, a कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया बाहर हो गया, और जिसके साथ है उसका डेरिवेटिव कर दिया, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो देखो y2 का वैल्यू कितना आ गया, मतलब डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, बोलते हैं ये आ गया माइनस का ax sin x प्लस a cos x प्लस a cos x। ठीक है, ये आ गया a cos x 2a cos x माइनस का ax और sin x। तो ये वैल्यू किसका आया, ये y2 का वैल्यू आया आपके पास। ठीक है, ये था अपना y1 का वैल्यू और ये था क्वेश्चन का वाई। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके एलएचएस में वैल्यू डाल देते हैं, आरएचएस निकाल लेंगे। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से। तो एलएचएस लिखा क्या है हमारे पास, ये लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस टू एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू और इंटू वाई। और हमें प्रूफ कैसे लाना है कि आंसर हमारा जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बात बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, अब ये y2 का टर्म है, चलो डालो उसके अंदर, ये हो गया 2a cos x माइनस का ax और sin x माइनस 2x y1, ये y1 का टर्म है, तो डालो ax cos x प्लस a sin x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 2 और इनटू y, और y क्या है वो तो अपना क्वेश्चन में ax sin x। चलिए प्रॉपरली अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा देखो 2ax स्क्वायर cos x, इसको अंदर कीजिए ax क्यूब sin x, इसको अंदर कीजिए माइनस का 2ax स्क्वायर cos x, फिर माइनस का 2xa sin x प्लस ax क्यूब sin x, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 2ax और sin x। ठीक है, अब अगर हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो सब कटना चाहिए, जीरो आएगा आंसर। तो 2ax स्क्वायर cos x, चेक करो 2ax स्क्वायर cos x, ये लीजिए प्लस माइनस का उड़ गया, ax क्यूब sin x ये लीजिए प्लस का भी है, ये लीजिए गया, और माइनस का 2xa sin x ये लीजिए ये भी गया, कितना आ गया जीरो। LHS से स्टार्ट किया था, कहां तक पहुंच गए, RHS तक आ गए। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, बस ये लीजिए क्वेश्चन प्रूफ हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्सक्यूलीस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।